जिस हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों का सारा नेता आदिवासी नेता आप लोगों का रघुनाथ महतो का जयंती के दिन में है ना ट्विटर में ट्वीट करते हैं, फेसबुक में पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं और विभिन्न प्रकार का पोस्टर लगाते हैं। क्या आप लोगों का नेता लोगों को पता नहीं है इस प्रकार का मतभेद है? आदिवासी नेता भी पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ का, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जनसालाब है, यानी कि भुज या चौहाड़ ये का लोगों का जनसालाब है आदिवासी लोगों का। और हम लोग आदिवासी नेता जो कि रांची से आए हुए हैं माननीय प्रेम सिंह मुंडा जी से और यहाँ श्रीराम सिंह मुंडा जी से बात करते हैं हम लोग। आज का यहाँ का ये को लेके थोड़ा सा आपका राय और ये जानना चाहते। देखिए हम लोग रांची से चल कर आए हैं आज और आज चौहाड़ विद्रोह के संदर्भ में जो उसके नाम को लेकर राजनीति हो रही है, इतिहास का हनन हो रहा है, उसी के विरोध के जन प्रदर्शन के लिए आज जमशेदपुर में हम लोग रैली में आए हैं। तो आज का जो इतिहास है मान लिया देखा जाए तो उन लोगों का भी अपना इतिहास बताता है, ये लोगों का भी इतिहास है, तो आप लोगों का भूज समुदाय का क्या इतिहास है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग इस रैली के संदर्भ में इसलिए आए हैं कि ये पूरे क्षेत्र मुंडाओं का क्षेत्र है, आदिवासियों का क्षेत्र है। चाहे आप मदरा मुंडा का इतिहास देख लें, चाहे सुतिया मुंडा का इतिहास देख लें, चाहे आप सरदार विद्रोह का देख लें। 100 वर्ष पहले का हम समझते हैं कि 1733 से लेकर 1832 तक जो हमारे रघुनाथ सिंह सरदार के संदर्भ में इन्होंने आंदोलन किया और जो बीच में हम देख रहे हैं कि अन्य जाति के लोग आदिवासी बनने के लिए देख रहे हैं कि रघुनाथ सिंह सरदार का जो इतिहास है उसको छेड़ा जा रहा है, इसलिए आज जन प्रदर्शन के लिए आए हैं। और हम कहना चाहते हैं जो आदिवासी बनना चाहते हैं कि यहाँ झारखंड में जो भी रह रहे हैं, कुर्मी गंजू चाहे जो भी लोग हैं, सब आदिवासी हैं, लेकिन आप आरक्षण मत मांगो, आप सरकारी सूचीबद्ध में नहीं हो, क्योंकि आदिवासी का संदर्भ है जो आरक्षण दी गई है वो 10 साल में आप आरक्षण बदलता रहता है। आपने विकास कर लिया लेकिन अब जानबूझ करके हमारे जो शहीद हुए आहुति दिए उसके इतिहास को छेड़ते हुए बनने का काम करेंगे तो हम आदिवासी समाज के लोग और आदिवासी जन परिषद के लोग किसी की भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। आज हम लोग जमशेदपुर में रैली कर रहे हैं, कल रांची में करेंगे और जितने भी 32 जनजाति हैं और देश के 781 जनजाति हैं सबको बुलाएंगे और कहेंगे कि देखिए हमारे बीच में क्या हो रहा है, हमारे इतिहास को छीना जा रहा है। क्योंकि हम देखते हैं टुसू पर्व भी होता है तो टुसू पर्व में भी कहा जाता है कि वो कुर्मी की बेटी है, लेकिन नहीं, वो हम सब समझते हैं कि विश्वनाथ सिंह सरदार की बेटी थी काशीपुर स्टेट का और उसी की तरह हम लोग आदिवासियों का बेटी थी, लेकिन आज उसको भी छेद किया जा रहा है। तो हमारे रघुनाथ सिंह महतो किया जा रहा है, सरदार का अपनी आहुति है कि इतिहास है, तो अब जब भी इतिहास छेड़छाड़ करने के लिए बात होगी तो हम लोग भी इस पे केस मुकदमे करेंगे, क्योंकि आज लोकतंत्र के तहत आज जन सैलाब होकर के आए हैं, हमारे भी सीधा मुंडा जी भी हैं और बहुत आदिवासी समाज के लोग आए हैं। तो हम समझते हैं कि यदि आप आदिवासी बनना चाहते हो तो पहले हिंदू धर्म छोड़ो, आप महान पुरोहित से पूजा करो, उनके घर में जाइए तो देखते हैं कि ब्राह्मणवादी से व्यवस्था के तहत पूजा किया जाता है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं कि राज्य में 1932 के खतियान के आंदोलन चल रहा था, जब आंदोलन पीक पर था, आज यहाँ रोजगार का सवाल था, तो देखते हैं कि कुछ राजनीतिक दल के कुर्मी समाज के राजनीतिक दल के नेता उसको डायवर्शन करने का काम किया है। यहाँ पर सब भाई है, महतो लोगों को भी हम भाई मानते हैं, यहाँ पे जो भी जमात है हम साहू लोग को भी हम मानते हैं भाई, लेकिन आप किसी की हकमारी करेंगे, उसकी राजनीतिक छीनेंगे, उसकी नौकरी छीनेंगे, उनकी इतिहास की विरासत छीनेंगे, तो ये हम आदिवासी लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और ये हमारा सांकेतिक के रूप में आज हमारा आंदोलन है, आने वाला समय आंदोलन गांव-गांव तक कुछ करने का काम करेंगे हम लोग। जिस हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों का सारा नेता आदिवासी नेता आप लोगों का रघुनाथ महतो का जयंती के दिन में है ना ट्विटर में ट्वीट करते हैं, फेसबुक में पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं और विभिन्न प्रकार का पोस्टर लगाते हैं। क्या आप लोगों का नेता लोगों को पता नहीं है इस प्रकार का आदिवासी नेता विधायक है,
या संगठन चलाते हैं, उनकी सामाजिक और राजनीतिक एबीसीडी ज्ञान नहीं है। कहीं भी ट्वीट करता है, कहीं ये करता है, उसको ज्ञान नहीं है। हमको इस संदर्भ में को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि जो बच्चे हमारे नहीं जान रहे हैं कौन क्या है, उस इतिहास को पढ़ाएंगे, अपनी विरासत को पढ़ाएंगे, इतिहास में क्या क्या हुआ। 100 वर्ष पहले हम देखते थे कि कभी भी आदिवासी के अलावे कोई भी जनजाति आंदोलन में एग्रेसिव होकर नहीं निभाया। लेकिन आज क्या बात है, जब 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद लोग आदिवासी, आदिवासी तो है ही भाई, महतो को मैं आदिवासी मानता हूँ, लेकिन आरक्षण नहीं देंगे। जो हमारी आरक्षण दी गई है भारत सरकार की प्रदत्त ताकत के साथ, वो हम देने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि जो आरक्षण 10 साल में रिव्यू होता है, आर्थिक सामाजिक राजनीति से डेवलप होता है, वो तो डेवलप है ही, आदिवासी आप मानते हैं आपको, लेकिन आरक्षण, सरकारी आरक्षण मांगोगे तो ये हम नहीं देंगे। क्योंकि हमारे बाल बच्चे अभी भी, हमारी माँ बहन अभी भी, आप कौन होते हैं देने के लिए? सब देना है तो सरकार देंगे, आप क्यों देंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आदिवासी बनने का काम करेंगे, दूसरी बार पेशा कानून पर केस भी करेंगे, तो ये नहीं चलेगा ना। यदि आपको आदिवासी बनना है तो आप डेमोक्रेटिक आंदोलन करिए, कोई हमें राय नहीं है। लेकिन मैं ये रैली कर रहा हूँ उनके विरोध में नहीं, मैं अपनी आदिवासी को समझाने के लिए कर रहा हूँ। और ये कह रहा हूँ कि आप इस इतिहास को छेड़छाड़ मत करिए, नहीं तो आने वाला समय में जो झारखंड की बुनियादी सवाल है, जल जंगल जमीन का, नौकरी का सवाल है, वो डायवर्सन होकर के गृह युद्ध की ओर चला जाएगा। हम भाई भाई के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे का हक मारी के लिए लड़ेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो आपने जो चिंतन कर रखा है, जो बनने का, आदिवासी बनने का, सबसे पहले आप जो हिंदू धर्म को छोड़ें, ईसाई धर्म को छोड़ें, बौद्ध धर्म को छोड़े, तब आप आदिवासी बनने की बात करें। क्योंकि आदिवासी बनने की बहुत प्रक्रिया है। कुछ आदिवासी भी तो क्रिश्चियन धर्म में गए हुए हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई क्रिश्चियन गए हैं, कोई हिंदू गए हैं, लेकिन वो संस्कृति मानता है, धर्म संस्कृति मानता है हमारे आदिवासियों का। तो ये भारत सरकार की बात है, भारत सरकार की जो गाइडलाइन मानता है। यदि हम भी यदि हिंदू मानते हैं तो हम आदिवासी नहीं कहलाएंगे। इस पर हमारा अखिल भारतीय आदिवासी धर्म के परिषद के माध्यम से लड़ाई चल रही है। और हम कहना चाहते हैं कि जो पान पुरोहित नायके बप्पू ठाकुर जी और हमारे धार्मिक अगुवा के साथ यदि पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो हम किसी भी को भी हम आदिवासी नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। आज का ये इतना जनसैलाब को देखकर आपको कैसा लगता है? ये जनसैलाब है, एक विद्रोही का एक शुरुआत है। और आज जिस प्रकार से हमारे भूमिज आंदोलन गंगा नारायण सिंह ने शुरू किया था, वो एक दूसरा रूप देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये मील का पत्थर साबित होगी। और जो विद्रोह कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है हमारे जैन समाज के लोग, तो इसको लेकर के एक शुरुआती दौर पर है, ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। परिषद प्रेम साहिब मुंडा अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद। और यहाँ पे लाइन लगभग यहाँ से साक्षी आम बगान से साक्षी से भी ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी लाइन खत्म नहीं हो रहा। उम्मीद करेंगे आगे भी वीडियो आएगा। पब्लिक एक्शन न्यूज़ जनता के आवाज में आप सभी को जोहार, धन्यवाद।